अब हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2, ठीक है, फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमने इनके लॉगरिथम फाइंड करना है। 232.92 फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये, हमने लॉग फाइंड करने के लिए लॉग टेबल का यूज़ करना है, तो आप लॉग टेबल अलग से भी ले सकते हैं या आपकी बुक के लास्ट में गिवन है तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास 232.92, ठीक है। अब हमारे पास लॉग में 4 डिजिट्स होने चाहिए, ठीक है, तो हम इसको राउंड ऑफ कर देते हैं अप टू 4 डिजिट्स। ठीक है, जब हमने इसको राउंड ऑफ किया तो लास्ट जो 5th डिजिट था वो ख़त्म हो जाएगा और उस पर पिछले पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये 5 से लेस था। तो हमारे पास रह गया 232.9 राउंड ऑफ करने के बाद। ठीक है, अब करेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं। करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या होता है कि पॉइंट हमारे पास 1 डिजिट के बाद होना चाहिए। ठीक है, तो उस जगह से जो पॉइंट का या डेसिमल का डिस्टेंस होता है वो हमारे पास करेक्टरिस्टिक होता है। सपोज देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे 3 डिजिट के बाद है डेसिमल। ठीक है, इसको होना कहाँ चाहिए था, 1 के बाद। तो देखें कितना फासला है, 1 2 डिजिट्स का, तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, 2। अब देखें ये तो पॉइंट हमारे पास क्या कर रहा था, यहाँ से यानी कि राइट से लेफ्ट पे मूव कर रहा था, इसलिए ये हमारे पास पॉजिटिव आ। अगर इसी तरह पॉइंट आपका लेफ्ट टू राइट मूव करेगा तो ये नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल देखें आप, इसमें पॉइंट क्या है हमारे पास इस तरफ से, ठीक है, लेफ्ट साइड से राइट की तरफ मूव करेगा 1 डिजिट एंड 2 डिजिट। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, -2, और उस -2 को हम क्या लिखते हैं, 2 बार। ठीक है, अगर -3 किसी का आंसर आता है तो 3 बार हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब हमने फाइंड करना है मेंथीसर। मेंथीसर फाइंड करने के लिए हम लॉग टेबल यूज़ करेंगे, उससे पहले हम इसको पेयरिंग कर लेंगे। देखिए 23, 2 और 9 ये अलग, 23 इकट्ठा है, 2 है और 9 है। अब इस टेबल पे हमने आना है और इसमें हमने ढूंढना है 23। ठीक है, क्योंकि हमारे पास पहला पेयर जो हमने बनाया था वो 23, और 23 के बाद हमारे पास था 2, तो हमने 23 को 2 के टेबल में देखना। हमारे पास क्या आ गया, 3655। ठीक है, उसके बाद 23 को 9 के डिफरेंस में देखना है। ठीक है, 9 के डिफरेंस में 23 को, तो वो हमारे पास आ जाएगा 17। एक आ गया 3655 और एक आ गया 17। तो ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गए, जब 23 को हमने 2 में देखा तो हमारे पास आ गया 3655, फिर हमने जब 23 को 9 के डिफरेंस में देखा तो हमारे पास क्या आ गया, 17। दोनों को हमने ऐड कर दिया, हमारे पास आ गया 3672। ठीक है, अब इसका लॉग का आंसर क्या आएगा, हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे। करेक्टरिस्टिक लिखा, उसके बाद डेसिमल लिखा और उसके बाद मेंथीसर। ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक 2 था, फिर डेसिमल और फिर मेंथीसर 3672। तो ये हमारे पास इसके लॉग का आंसर आ जाएगा।